इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां राज्य में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। चलिए आपको बताते हैं सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत। सुबह 9 बजे तक टिहरी में 10.23% वोटिंग, वही सुबह 9 बजे तक गढ़वाल में 9.46% मतदान। सुबह 9 बजे तक अल्मोड़ा में 10.13% वोटिंग, वही सुबह 9 बजे तक नैनीताल में 9.83% मतदान। सुबह 9 बजे तक हरिद्वार में 12.49 वोटिंग, उत्तरकाशी में 7.23% मतदान हुआ। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां सुबह 9 बजे तक का हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सुबह 9 बजे तक हरिद्वार में 12.49% वोटिंग हुई, उत्तरकाशी में 4.23% मतदान हुआ। बड़ी अपडेट हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुरोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9.12% वोटिंग हुई, वही यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में 9.03% वोटिंग हुई, गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में 3.92% मतदान हुआ। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तराखंड में बड़ी अपडेट हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना वोट डाला। आपको बता दें हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपने परिवार के साथ वोट डाला। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कांग्रेस से वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान पर उतरे हैं। वहीं उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। चलिए सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत का अपडेट देते हैं। सुबह 9 बजे तक टिहरी में 10.23% वोटिंग हुई, हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। वही सुबह 9 बजे तक गढ़वाल में 9.46% मतदान हुआ। वही सुबह 9 बजे तक अल्मोड़ा में 10.13% वोटिंग हुई, हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुबह 9 बजे तक नैनीताल में 9.83% वोटिंग हुई, वही हरिद्वार में 12.49% वोटिंग की गई है, उत्तरकाशी में 7.23% मतदान हुआ। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पुरोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9.12% वोटिंग हुई, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में 9.03% वोटिंग हुई, वही गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में 3.92% मतदान किया गया। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं। वही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने परिवार के साथ वोट डाला, अपने परिवार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वोट डालते हुए नजर आए। हरिद्वार में बीजेपी प्रत्याशी है त्रिवेंद्र सिंह रावत,